हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे, तो इंटीग्रेशन में हमने देखा था कि कोई भी फंक्शन अगर x की पावर n के फॉर्म में आ रहा हो तो उसके पावर के लिए हमने इंटीग्रेशन के लिए फॉर्मूला देखा था कि पावर को 1 से इंक्रीज करते हैं और उस पावर से हमने डिवाइड कर रहे थे और प्लस का c एक कॉन्स्टेंट हमने यूज कर रहे थे। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल थे, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं जिसे एक्स की पावर मैंने दिया 2/3। अगर ये आपके पास इंटीग्रेशन आया तो इसका इंटीग्रेशन करना है x की पावर 2/3 dx, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 2/3। यहाँ पे आपको साफ दिखाई दे रहा है कि n की वैल्यू जो है वो 2/3 है, तो आप क्या करोगे, पावर में आप 1 से इंक्रीज कर दोगे और उसी पावर का आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे और प्लस का क्या हो जाएगा c, तो 2/3 प्लस c, तो कितना हो गया 5/3 अपॉन 5/3 प्लस सी। आप चाहो तो इसको सही लिख सकते हो, 3 ऊपर चला जाएगा तो 3x की पावर 5/3 अपॉन 5 प्लस सी। और इसका अगर वापस डिफरेंशिएट करोगे तो आपको सेम फंक्शन ये फंक्शन आपको मिल जाएगा। हमने देखा था कि किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएट करो तो आपको जो रिजल्ट मिल रहा है उसका वापस आप इंटीग्रेशन कर दो तो सेम फंक्शन आपको मिल जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल एक रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, एक नेक्स्ट एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल आपको इस तरीके से दिए जाएंगे, जैसे अगर कोई फंक्शन में ऐसे दे दे, मैंने दिया x-1 × x+3, ऐसे दे दिया dx, ऐसे फंक्शन आ रहे हैं, इनका इंटीग्रेशन कैसे करें। तो सबसे अच्छा तरीका है, कुछ स्टूडेंट की ऐसी क्वेरी थी कि इनमें कैसे करें, तो आपको x से इससे इंटू कर दो तो क्या हो जाएगा x² + 3x, -1 × करोगे तो माइनस का x और माइनस का 3। देखो अभी डायरेक्टली आपको ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं सिखाया है, तो u.v से करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इससे अच्छा है कि आप सीधा इसको इस तरीके से लिख दो। तो ये dx, तो ये कितना हो गया x² 3x - x हो गए प्लस का 2x - 3 dx। अब आप इनको और अच्छे रंग से लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, अलग अलग लिख दो, x² dx कर लो, फिर 2x dx, फिर 2 बार ले लो तो x dx, फिर -3 बार ले लो तो क्या बचेगा -3 dx। देखो x² का हो गया, फिर 2 बार, फिर x का करेंगे तो x dx और -3 का करेंगे -3 dx x². अब n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 2। यही तरीका, पावर को 1 से इंक्रीज करना है और उसी से डिवाइड करना है, तो पावर 2 है तो इंक्रीज करोगे तो पावर कितनी हो जाएगी 3, उसी से डिवाइड कर दो प्लस 2। यहाँ x की पावर कुछ नहीं है तो इसका मतलब कितनी है पावर 1, तो पावर 1 से इंक्रीज करोगे तो कितनी हो जाएगी x² / 2, बट पावर 1 से इंक्रीज किया तो 2 हो गई और 2 से ही आपको डिवाइड करना है -3। और dx का क्या होता है x, लास्ट क्लास में बताया, और प्लस का आपको क्या लगा देना सी, ये इसका क्या हो गया रिजल्ट हो गया, ये इसका क्या हो गया रिजल्ट हो गया। मैं कुछ फॉर्मूले आपको बता रहा हूँ, वो फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं वैसे मैंने कि किस चीज का क्या होता है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने log x, e की पावर x, ये सारे फॉर्मूले अपन ने पढ़ लिए थे। ठीक है, अब मैं एक दो फॉर्मूले जो आपको जरूरत है, मैंने आपको क्या बताया है कि इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि इंटीग्रेशन जा क्या है वो एकदम रिवर्स प्रोसेस है, जिस किसी भी फंक्शन का, जैसे a का आपने डिफरेंशिएशन किया आपको b मिला, b का अगर आपने इंटीग्रेशन कर दिया तो वापस आपको क्या मिलेगा a, तो हम जानते हैं। अब आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के देखो, आप कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के देखने आपको, तो आपको पता है देखो d/dx sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, d/dx cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस का sin x,
तो ध्यान से देखो, इसका मतलब साइन एक्स का क्या होगा, ये माइनस इधर आ जाएगा भाई, माइनस साइन एक्स का क्या होगा कोस एक्स, तो माइनस का साइन एक्स का क्या होगा कोस एक्स, यहां दिया हुआ है तो इसका मतलब माइनस बाई इधर लगा दो, तो साइन एक्स का क्या होगा माइनस का कोस एक्स, प्लस का सी आपको बताया था हॉस्टल सब में यूज करना है। इसका मतलब कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन एक्स, तो यहां पे देखो कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन एक्स, प्लस का क्या लगा दो आप, कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन एक्स होगा। तो आपको जस्ट उल्टा ध्यान में रखना है, डी बाई डी एक्स, यहां पे देखो टेन एक्स का क्या होता है, टेन एक्स का होता था सेक स्क्वायर एक्स, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा टेन एक्स प्लस सी। वे आपको मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि 95% से ज्यादा केवल साइन एक्स और कोस एक्स आपके यूज में आना है, ये रेयर कंडीशन में है कि बहुत रेयर कंडीशन में कि कोई ऐसा सवाल बने जहां पे आपको ये सेक स्क्वायर एक्स या फिर टेन एक्स का या किसी का भी आपको इंटीग्रेशन यूज करना पड़े। फिजिक्स में जो सबसे ज्यादा इंटीग्रेशन यूज होगा वो केवल और केवल साइन एक्स और कोस एक्स का होगा। ओके, थैंक यू।